ऋषि कपूर जी के परिवार का बयान आया है, उनकी इच्छा थी कि मुझे आंसुओं से नहीं बल्कि मुस्कुराते चेहरे से याद रखिएगा। कैसे बीते उनके ये अंतिम दिन, क्या कहना है डॉक्टर्स का और परिवार का, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जो परिवार ने एक स्टेटमेंट शेयर की है उसमें वो लिखते हैं, हाँ आज सुबह लगभग 9:15 बजे उनकी अस्पताल में डेथ हो गई और वो 2 साल से जो है ल्यूकेमिया से जूझ रहे थे, जो कैंसर था उन्हें। लेकिन इस समय भी वो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को हमेशा एंटरटेन करते रहे, उनको इस बात का हमेशा से ही नाज था कि उनके फैंस जो है उनको हर जगह से, पूरे विश्व से उनको इतना प्यार देते हैं और भेजते हैं। जाते हुए उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि मुझे अगर याद रखना है तो मुस्कुराते चेहरे के साथ याद रखना, आंसुओं के साथ नहीं। तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा ये थी कि अगर हम सभी उन्हें अपनी यादों में याद रखें तो मुस्कुराते चेहरे के साथ याद रखें, आंखों में आंसुओं के साथ नहीं, नम आंखों के साथ नहीं। वो अपने अंतिम समय में भी बहुत ही ज़्यादा जोवियल मुस्कुराते रहते थे। इतना ही नहीं, वो 2 साल जब भी उनका ट्रीटमेंट चला, चाहे भारत में हो चाहे वो विदेश में गए, वो अपने परिवार, दोस्त, खाना पीना, उनको खाने का बहुत शौक था और फिल्में, इन सभी के बारे में बात करते रहते थे और वो लोगों से अपनी इलनेस के बारे में कभी बात नहीं करते थे और ये बात लोगों को हमेशा आश्चर्यचकित करती थी। हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस है, उनके परिवार का कहना है, हम भी जानते हैं कि आप लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे विश्व में ये मुश्किल समय चल रहा है, ऐसे में इकट्ठा होना, पब्लिक में ज़्यादा लोगों का एक साथ भीड़ में आना, ये सभी इस समय नहीं हो सकता है। हम आप सभी से, उन्होंने जो है सभी फैंस से, दोस्तों से, सभी से ये रिक्वेस्ट की है और अपने वेल विशर्स से कि आप लोग जो है प्लीज़ घर पर बैठकर ही आप अपनी श्रद्धांजलि उन्हें दीजिए और जो है जिस तरह के लॉ है उसी का पालन कीजिए और इकट्ठा मत होइए, अगर वो उनकी भी यही इच्छा थी। तो ये पूरा बयान जो है उनके परिवार ने जारी किया है उनकी तरफ से। बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है कि उनको जो है नम आँखों से नहीं, मुस्कुराते चेहरे से याद रखा जाए। जिस तरह के उन्होंने रोल किए हैं, जिस तरह से वो रोमांटिक हीरो रहे हैं, नीतू कपूर के साथ उनकी बेहतरीन फिल्में जो जोड़ी बनी थी, इतना ही नहीं उन्होंने जितना भी इंडस्ट्री में काम किया है वो इसी तरह का काम है कि अगर हम उनके उस काम को भी याद करें तो अपने आप हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हमें हमेशा उनके काम पर फख्र रहेगा और सभी जो है, मैं हीना कुमावत फिल्म विंडो के सभी व्यूवर की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ।